माल्यार्पण के बाद महाप्रबंधक महोदय ये प्लास्टिक वेस्ट बोतल से ना तो उसकी कटिंग करके।
Oh,
2 अक्टूबर के दिवस पे उपस्थित तमाम हमारे प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अधिकारीगण, रेल कर्मचारी, यूनियन के प्रतिनिधि और प्यारे छोटे बच्चों, आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारी सरकार ने ठाना है इस दिवस को, इसकी महत्ता को हम लोग जनमानस के बीच में स्वच्छता ही सेवा अभियान के रूप में इसको मनाएंगे। आप सब लोग एक महत्वपूर्ण चीज जो देखते होंगे एमसीएफ में और भारत के बाकी शहर गांवों में, क्या फर्क यहाँ आपको दिखती है कि यहाँ पे हर चीज हरियाली है, हर चीज साफ सुथरा है, पर्यावरण बढ़िया है। तो ये जो एक अनूठा प्रयोग एमसीएफ में आप लोगों ने किया है, एक अद्भुत परिवेश में, एक अद्भुत वातावरण में आप रह रहे हैं, इसको हम लोग और बढ़िया करें जिससे लोगों को घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए किसी पहाड़ों के जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। पहाड़ जब पहाड़ तो नहीं लेकिन जंगल हमारे बीच में आ जाएंगे। आप लोग कोशिश करें कि अपने घर में, अपने घर के बगल में, स्कूल में, जहां भी मौका मिले कुछ पौधे जरूर लगाएं। उन पौधों से आपका अपनापन हो जाएगा, आप बड़े होंगे धीरे धीरे, पौधे भी बड़े होंगे और पौधे आपको हरियाली देंगे, ऑक्सीजन देंगे, फल फूल भी देंगे और गर्मियों के समय में छांव देंगे, राहत देंगे और पूरा जो वातावरण होगा वो वातावरण सजीव हो उठेगा और जहाँ पे पौधे रहेंगे क्या होगा, पक्षी आएंगे, जानवर आएंगे। तो आप देखेंगे कि जिन पक्षियों के बारे में आप पढ़ते थे अपनी किताबों में, इंटरनेट में खोजते थे, वो पक्षी आपके घर के सामने चहचहाएंगे। जो पक्षी विलुप्त हो गए हैं
शहरों से नगरों से वो पक्षी वापस आपके बीच में आ जाएंगे। तो सारे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से हमारा अनुरोध है कि पर्यावरण को हम लोग अपने जीवन का मिशन बना लें, क्योंकि इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम वापस इस धरती को क्या देते हैं। हम लोगों ने पिछले कई दिनों में पर्यावरण के ऊपर में बहुत काम किया है। हमारी कोशिश है कि MCF में जितना भी पानी आता है, चाहे वो आसमान से आए चाहे गांव से आए, पानी की एक एक बूंद को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं और उस पानी के बूंद को हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो पानी की बूंदों को हम लोग तालाब और सरोवर में, ताल तलैया जिसको कहते हैं, वहाँ पर ले जा कर कलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जमीन के अंदर सुराख बना के उस पानी को वापस दे रहे हैं, जिससे जमीन के जो जल स्तर है उसमें जो कमी आती है उस कमी को हम उसको कंपनसेट कर पाए, उस कमी का को समाधान हम लोग कर पाए। पिछले वर्ष में हम लोगों ने 100 मिलियन लीटर पानी को कलेक्ट करने की व्यवस्था की। इस वर्ष भी हम लोग 100 मिलियन लीटर पानी कलेक्ट करने की एडिशनल प्लानिंग कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि आपके टाउनशिप के बीच से, आपके टाउनशिप के बीच से एक बरसाती नाला गुजरता है जिसको हम लोग मसला नाला कहते हैं, उसमें कई गांव का पानी आता है। ये पानी पहले बह के गंगा नदी में जा रहा था और उस पानी का तो उपयोग नहीं हो रहा था। उस पानी को हम लोग टैप करके अपने तालाबों में ले जा रहे हैं, जिससे एक एक बूंद पानी जो बारिश का पानी मिलता है तो हम लोग इस्तेमाल करता हूँ। इस वर्ष हम लोगों ने 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और 1,00,000 से ज़्यादा सीड्स लगाए हैं, और ये काम इस महीने अगले महीने चलता रहेगा। लेकिन पौधों को लगाना छोटे बच्चों की तरह है, उनकी केयर देख रेख और अपनापन उनको चाहिए, तभी इस जो डिफिकल्ट वातावरण में वो सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। आप लोग हर एक लोग एक एक पौधे को अडॉप्ट कर लीजिएगा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है एक पेड़ माँ के नाम पे हम लोगों को सबको लगाना चाहिए। तो इस स्वच्छता ही सेवा अभियान में हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचने कि पहला पर्यावरण के बारे में जागरूक हों, पेड़ पौधों को लगाएं, पानी का संरक्षण करें। घर में आपका जो डे टू डे जो आपकी हैबिट होती है, क्या आप घर में अपने बिजली पंखे को छोड़ देते हैं खुला या उसको बंद कर देते हैं? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके हाथ में हैं। इस दुनिया को बदलना हम लोगों के हाथ में है। हम यदि सही कर्तव्य करेंगे, समय पर रिएक्ट करेंगे, समय पर एक्शन लेंगे, तो चीज़ें सही होगी, और नहीं तो सिर्फ हम लोग कंप्लेन करेंगे और उससे सिर्फ चीज़ें अभी परेशानियां बढ़ेंगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सारे बच्चों से और उनके परिवारजनों से हमारा अनुरोध है कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, ऊर्जा का बचत करना, ऊर्जा का संरक्षण करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज में रखना, गार्बेज को फैलाना नहीं, जैसे आप कोई चीज़ यदि बिस्किट खाते हैं चॉकलेट खाते हैं तो उसके रैपर को जहाँ करना फेंकें, यदि सामने डस्टबिन मिलता है तो वहाँ फेंकें, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हाँ बहुत अच्छा, उसको रख लेंगे अपने पास और जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जाके डाल देंगे। क्योंकि यदि रोड पे हर बच्चा एक एक चॉकलेट का दिलाएगा रैपर, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे चलने का मन नहीं करेगा। तो आप अपने रास्ते को यदि आप साफ सुथरा करेंगे MCF से, तो घूमते तो आप ही हैं, तो सफाई आपको पसंद होगी। और सबसे जो प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि हम प्लास्टिक और कागज फेंक देते हैं जहाँ, तो हमारे जो जानवर हैं वो खा लेते हैं, उनको बीमारियां आती हैं। तो हम लोग न सिर्फ पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, स्वच्छ करते हैं, बल्कि जानवरों को भी हम लोग बचाते हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत लगी हैं कि कई किस्म के जानवर आपको देखने को मिलते हैं, जब आप चलते हैं तो कई बार आपके सामने नीलगाय आता है, कई बार सियाल आता है, कई बार हिरन आया है, बहुत सारे जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी मोर भी आपके रास्ते को रोक के खड़े हो जाते हैं। तो ये जो प्रकृति के साथ आपकी जो
नजदीकी है, ये नजदीकी बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ी लग्जरी पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं है। आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन प्रकृति को नहीं खरीदते हैं। किसी मॉल में मिलती है प्रकृति? कहीं नहीं मिलती है। स्वच्छ हवा कहीं मिलती है? कहीं नहीं मिलती है। तो स्वच्छ हवा पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग MCF में बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपके यहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है और दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी है। तब अपने दिल्ली के दोस्तों को आप कहेंगे कि तुम्हारी हवा इतनी गंदी है, तुम्हारी हवा में सांस लेने से लोगों को फेफड़े संबंधी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन MCF में आओ, कुछ समय बिताओ, तुम्हारे फेफड़े की बीमारी। आप सब बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और स्पेशली स्काउट गाइड के बच्चे, स्काउट गाइड के लोग जो हर मुश्किल की स्थिति में सबसे पहले खड़े होते हैं। जब भी देश विदेश में कोई भी विपदा आती है, तो मैंने देखा कि सबसे पहला जो खेल का हाथ बढ़ता है वो स्काउट गाइड का है। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत स्वागत है। हमारे जो स्टाफ के हमारे साथी हैं, उनके लिए मुझे एक ही लाइन कहनी है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है, चाहे कारखाने के अंदर हो, चाहे कारखाने के बाहर हो, चाहे रोड्स हो, उन सबको इस अगले 15 दिन में हम लोग एक स्पेशल मिशन करके उन्हें क्लीन कर दें, जिससे न केवल हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट क्लीन होगा बल्कि किसी एक्सीडेंट के टाइम में आपको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि यदि हम इनफ्लेमेबल मटेरियल फैला के रखेंगे कारखाने में, आग लगने की संभावना हो सकती है और मुसीबत के समय में आपको निकलने का आपका रास्ता प्रधान हो सकता है। तो हम लोग अपने शॉप को, वर्किंग एरिया को, रोड को क्लीन रखें। धन्यवाद। मैं PCPO सर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन करूंगा। सारे बच्चों, सारे हमारे कर्मचारी और सारे तारीखों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और महाप्रथम प्रमुख महोदय यहाँ पर आ करके हम संस्था के समझ रहे हैं, और हम संस्था के लोगों को इसको आगे ले जाएंगे, इसको आगे ले जाना है और अगले एक महीने तक हमको इसको सबसे स्वच्छ और स्मार्ट सिटी हमको जो है ऐसे को बनाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी
साथ में खड़े हैं।